फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले कोरियन वेजिटेबल पैनकेक। इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। ओट्स के साथ बना रहे हैं, इसको ट्विस्ट दिया है मैंने इसको अपना ही। इसमें बीट रूट के साथ कुकुम्बर और ओट्स है, तो बहुत ही यम्मी बनने वाला है। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? दो बाउल ओट्स चाहिए। ये ओट्स प्लेन वाले हैं, ये दो बाउल भर के लेना है। और लेना है एक छोटा बाउल यानी 6-7 चम्मच मेरे को लेनी है बेसन, ये भुना हुआ है। और लेना है एक बीट रूट, एक टमाटर, एक प्याज, कुकुम्बर और एक लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेंगे हम जार, मिक्सी जार, और उसको इसका ये हमें एक फाइन पाउडर बनाना है। तो मैंने दो बाउल जो मैंने लिए थे ओट्स वो इसके अंदर डाल दिए। एक और डाल देते हैं। और इसको ढक्कन लगा करके इसको हम अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, देखिए इस तरह का थोड़ा दरदरा। और अब हम इसमें बेसन डाल देंगे, तो 6-7 चम्मच टीस्पून मेजर के हिसाब से। और ये थोड़ा रोस्ट किया हुआ है इसको डाल देते हैं, इससे क्या बाइंडिंग आएगी। और डाल देंगे ऑनियन बारीक कटा हुआ, बारीक काट लिया था। और टमाटर उसको भी बारीक काट के डाल देते हैं। बीटरूट उसको कद्दूकस कर लिया था। और डाल दिए हमने ग्रीन चिली, बारीक बारीक काट करके। और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। और डाल दिए कुकुम्बर, इसको भी ग्रेट कर लिया था। और ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। और अब हम इसको पानी की हेल्प से इसको एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। शुरू में थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा फूल जाएगा। तो कितना रिक्वायरमेंट है उसके बाद हम थोड़ा और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छे पैनकेक हैं। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है बीटरूट में, और आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में भी फ़ायदा होता है, एनीमिया तो कम करता ही है, और ब्लड प्रेशर में काफ़ी हेल्प करता है। और कुकुम्बर में काफ़ी कम कैलोरी होती है और वेट लॉस में भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के इसे मतलब ये बहुत हेल्दी पैनकेक हो जाते हैं। कोरियन पैनकेक है ये रेसिपी, तो मैंने इसको थोड़ा फ्यूजन दिया है, अपने तरीके से बनाया है, और बहुत ही हेल्दी ये पैनकेक हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी 1/2 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और जो ये बैटर बनाया है उसको हम 10 मिनट के लिए मतलब ढक कर के रख देंगे रेस्ट के लिए, और ये काफ़ी फूल जाएगा। तो कितना पानी चाहिए उसके बाद हम इसमें और ऐड कर देंगे। अच्छे से पूरा मिला लेना है इसको, ताकि ओट्स जो होता है काफ़ी फूलता है। सारी चीज़ें मिला ली हैं और देखिए इस तरह से पेस्ट हो गया है ये। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी, ढक कर के रख देती हूँ उसको। दस मिनट के बाद देखते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। तो अब हम थोड़ा सा पानी इसमें धीरे धीरे और ऐड करेंगे। मैं थोड़ा पतला पेस्ट है ये, मतलब तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूँगी।
ओट्स में काफ़ी हाई फाइबर होता है और वेट फैट भी काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे वेट लॉस में। और ये ग्लूटेन फ्री तो होता ही है, और इस तरह से हम थोड़ा सा पैन गरम करने के बाद थोड़ा घी डालेंगे और इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके गोल बैटर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको ढक करके पकाएंगे। और अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ ताकि वो स्टीम में अच्छे से ये पक जाए। ये एक तरफ से पक चुका है, अब इसको हम पलट देते हैं। और ये सिक चुका है हमारा, अब हम दूसरा बनाते हैं। उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे पैन में, और उसी तरह जैसे हमने पहला बनाया था उसी तरह से 2 चम्मच बैटर डालेंगे और इसको इस तरह से गोल गोल फैला देंगे और वापस से ढक देंगे। और ढक करके इसी तरह से हमें पकाने हैं ये पैनकेक। और कितना अच्छा कलरफुल है, और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे पैनकेक्स। और इस तरह से और मैंने सारे तैयार कर लिए हैं जितना भी बैटर था। और इन पैनकेक्स को आप सॉस, मेयोनीज या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे ये पैनकेक्स कैसे लगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।